नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका तानाबाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देश में लगातार विवाद खड़े हो रहे हैं, नई नई समस्याएं खड़ी की जा रही हैं और आतंक का माहौल बढ़ता जा रहा है। मगर क्या वजह है कि हमारे लेखकों कलाकारों की आवाजें सुनाई नहीं पड़ रही हैं? न कहीं कोई चिंता, न संघर्ष और न ही हस्तक्षेप की अपीलें। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मीडिया ने उनकी आवाजों का बहिष्कार कर रखा है, या फिर हमारे लेखक कलाकार ही मानते हैं कि ये उनकी चिंताओं के विषय नहीं है? इन जरूरी सवालों के साथ पेश है आज का तानाबाना। तानाबाना में आज आप देखेंगे कृत्रिम मेधा से कैसे मुकाबला करेंगे रचनाकार। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं सुजाता देवाशीष चक्रवर्ती और रवि रतलामी। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज दूसरी आवाज में बात करेंगे प्रोग्रेसिव राइटर्स ग्रुप के गठन और उसके स्वप्न के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा हमारे जीवन के हर क्षेत्र को न केवल प्रभावित करने जा रही है, बल्कि उसे आमूल चूल ढंग से बदलने को तैयार है। चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो हमारी सृजनशीलता को नए ढंग से चुनौती पेश कर रहे हैं। खासतौर पर कला और लेखन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने तय माने जा रहे हैं। सवाल उठता है कि हमारे कलाकार और लेखक क्या इसे समझ पा रहे हैं और क्या इसके लिए वो तैयार हैं? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्से लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवयित्री सुजाता और तकनीक और कला के रिश्तों को गहराई से समझने वाले दो विशेषज्ञ देवाशीष चक्रवर्ती और रवि रतलामी। तानाबाना में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले देवाशीष जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि एआई पर इतना चर्चा हो रहा है, चैट जीपीटी की बातें हो रही हैं और इसके क्या प्रभाव आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे, उस पर बहुत बहस हो रही है। खास तौर पर जो सृजनात्मक क्षेत्र हैं, लिखने पढ़ने कला के क्षेत्र हैं, उन पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ने जा रहा है, ये इसको लेकर बड़ी चिंताएं भी हैं और इसे एक चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं जब इसे साहित्य और कलाओं के साथ जोड़ के देखने की जरूरत महसूस होती है? जी, तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, एआई जो शब्द है अभी कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा प्रचलन में आए और इसकी वजह चैट जीपीटी मुख्यतः है कि पिछले साल जब ये जनरल अवेलेबिलिटी में आया तो उसके बाद से काफी चर्चा में आ गया क्योंकि आम लोगों के लिए उपलब्ध रहा है, राइट। और अभी तक अगर आप देखें तो एआई कोई नया शब्द नहीं है, मतलब 1920s से यूज हो रहा है और एलन ट्यूरिंग बड़े फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे, उनके नाम पे ट्यूरिंग टेस्ट भी बड़ा प्रचलित शब्द है सॉफ्टवेयर के फील्ड में, और उन्होंने 1950 तकरीबन में ये कहा था कि अगर कंप्यूटर मानव जैसा टाइप करके दिखा दे तो हम उसको मानेंगे कि ये इंटेलिजेंट है, राइट, उसमें कोई बुद्धि है। और उसी चीज को आज उस तारतम्य में बढ़ा है, राइट। तो अगर आप देखें एआई का आविष्कार कोई नया नहीं है, मशीन लर्निंग एआई काफी दिनों से है, अराउंड है। चेस की बात ले रहे, मेरा बेटा चेस खेलता है, छोटा बेटा चेस खेलने बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत सारे एप्स के साथ खेलता है, chess.com और इस टाइप की साइट्स हैं जिसमें आप एआई के साथ चेस खेल सकते हैं, मतलब मशीन आपके साथ चेस खेल रही है। 1997 में आईबीएम ने वॉटसन, डीप ब्लू था उस वक्त, डीप ब्लू ने एक्चुअली वॉटसन बाद में आया, डीप ब्लू ने गैरी कास्परोव को हरा दिया, राइट। खलबली मच गई थी कि ये तो मानव जैसा हो गया। लेकिन आप देखिए, क्या चेस इंसानों ने खेलना बंद कर दिया? इनफैक्ट चेस का प्रचलन आज के दिनों में बहुत ज्यादा है। मैं अपने बच्चे को लगभग हर हफ्ते लोकल कॉम्पिटिशन्स में लेके जाता हूँ, हर इवेंट में 500-600 बच्चे आते हैं और माँ बाप बहुत इंटरेस्टेड है उनको ट्रेन कराने में, उनको सिखाने में, और सभी बच्चे
इंसानों से भी चेस सीख रहे हैं, क्योंकि शुरुआती गुर तो इंसान से ही सीखने पड़ेंगे, लेकिन जब वो अभ्यास करते हैं तो वो एआई के साथ खेल के ही करते हैं, क्योंकि हर वक्त तो आपके साथ खेलने के लिए कोई साथी मौजूद नहीं होता ऑनलाइन। तो ये एक इंटेलिजेंट मिक्स है मेरे ख्याल से, डरने की जो एक बात है उसके। अब ये बात भी है कि अभी कुछ साल पहले तक इलॉन मस्क ने, मेरे ख्याल से 2015 के आसपास, इलॉन मस्क, स्टीफन हॉकिंग, इन लोगों ने एक खुला पत्र लिखा था कि देखिए एआई का इस्तेमाल वॉर में ना इस्तेमाल हो, हाँ, राइट। लेकिन अपने देवाशीष जी, थोड़ा सा हम ये जो चैट जीपीटी के आने के बाद एकदम से चर्चाएं हुई हैं कि आप चैट जीपीटी के जरिए कविताएं लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, आप उसको कुछ प्रॉम्प्ट कर दीजिए, वो आपको कुछ रेडीमेड दे देगी, आप उसको सुधार कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी तरह से कई ऐप हैं जो चित्र बना देंगे, दूसरी म्यूजिक रच देंगे, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो ये करेक्ट, एक हम दूसरे फेज में चले गए हैं एआई के, जहां पर वो क्रिएट करके हमें दे रहा है और हमारी क्रिएटिविटी को चैलेंज कर रहा है कि अब आप इससे बेहतर करके दिखाओ। जी मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। देखिए इस मामले में जब मैं हिंदी ब्लॉगिंग, कुछ दिनों पहले मैं चर्चा कर रहा था कि हम लोग काफी ब्लॉगर्स का एक समूह था, हिंदी ब्लॉगरों का। कॉलेज के दिनों में मैंने एक गजल लिखी थी, तथाकथित गजल, और मैंने उसको पोस्ट किया अपने ब्लॉग पे। अब जो मेरे जैसे लोग हैं जो अपने आप को रचनाकार समझते हैं, उन्हें वाकई में साइंस ऑफ गजल तो नहीं पता है कि मक्ता क्या होता है, मतला क्या होता है, काफिया किस तरह से दुरुस्त किया जाए, मीटर कैसा हो, राइट। तो मैंने जैसे ही लिखा तो लोगों ने मुझे बोला कि भाई जो आपका मतला है वो गलत है, शुरुआत के जो दो लाइनें हैं उनमें राइमिंग होनी चाहिए, और मेरे इसमें राइम नहीं था। तो मुझे वो चीज समझ में आ गई, राइट, कि ये गलत है। हाइकू लिखने जाएं, 17 सिलेबल में हाइकू लिखना पड़ता है। हमने हाइकू भी उस समय बहुत लोगों ने ट्राई किया, और हिंदी में भी हाइकू लिखे जाते हैं, जापानीज विधा है लेकिन हिंदी में लिखे जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेखन की कई विधाओं में देर इज एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम है इसमें, एक साइंस है, एक विन्यास है लिखने का। आप अपने मन से जो लिखेंगे वो शायद एब्स्ट्रैक्ट पोएट्री, और वो कॉलेज के जमाने में हम लोग ये भी एक मस्करी किया करते थे कि एक हिंदी की किताब उठा ली, उसमें से रैंडम वर्ड्स पिक किए, पेज पलट पलट के उनको जोड़ के एक एब्स्ट्रैक्ट कविता बना दी, और फिर लोगों को बोला देखो ये कविता जैसी तो दिख रही है, समझ में आए ना आए। लेकिन अगर साइंटिफिक वे में आप किसी चीज को लिखने जाएंगे तो उसके लिए भी ह्यूमंस को भी वो नॉलेज चाहिए, राइट। अगर मैंने वो गजल लिखी और कोई गजलकार जो रियली फनकार है वो तो देख के बिगड़ जाएगा कि आपने तो ऐसी तैसी कर दी रचना धर्म की, तो ऑब्वियस है उनका खफा होना भी जायज है। मेरे ख्याल से कंप्यूटर जो है ना, ये इस चीज को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है कि वो अगर आप उसको एक साइंस या मेथोडोलॉजी दे दें तो वो उसको फॉलो करके बिल्कुल बना सकता है, लेकिन क्या उसमें आत्मा होगी ये कहना बड़ा दिक्कत है। क्या वो गजल की रूह को समझ पाएगा, क्या वो समझ के गजल लिख पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, राइट। तो अगर आप हाइकू लिखने को बोल दें तो सेकंड्स में चैट जीपीटी आपको लिख के हाइकू दे देगा, लेकिन उस आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो एक है, आपने प्रॉम्प्ट की बात करी, प्रॉम्प्ट उस हिसाब से आपको देना है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आप उसको बताएंगे वो आप समझ के वो लिखे, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज बहुत बहुत जरूरी है, और काफी मजाक भी उड़ाया जा रहा है चैट जीपीटी का। आप देखिए लिटरेरी वर्ल्ड में भी लोग ये जी कहते हैं कि हाँ आज ये आज के जमाने में ये कीट्स की कविता के लिहाज से लिख दे, टैगोर के लिहाज से लिख दे, लेकिन वो बन तो नहीं सकता, क्योंकि चैट जीपीटी दरअसल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। मतलब ये है कि उसको टेराबाइट्स ऑफ डेटा दिया गया, चैट GPT 3 के लिए 45 टेराबाइट्स ऑफ डेटा उसको फीड किया गया, मतलब दुनिया भर की चीजें उसे मालूम है, उसने पढ़ी हुई है, और उसी को वो दोहराता है। आप बादल की तरफ देखते हैं, इंसान बादलों में कुछ एक शेप देख के बोलता है ये हिरन जैसा दिख रहा है, ये हमारी कल्पना है, राइट। चैट जीपीटी भी उसी तरह से बुन रहा है, चैट जीपीटी में आपको झलक दिखाई देगी इंसान की, लेकिन वो इंसान नहीं है और इंसान जैसा जी बन बिल्कुल नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन रवि रतलामी जी, ये तो मशीन लर्निंग का खेल है ना। अभी चैट जीपीटी इस स्टेज में है जहां पर वो इतना अधिक आगे जाकर सोच नहीं पा रहा है। आज से 5-10 साल में वो कहाँ ले जाएगा हमें पता नहीं है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि
भावनाओं की कमी इसमें रहेगी, हमेशा रहेगी। कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही है, लेकिन क्या ये जो एक रेडीमेड रॉ मटेरियल जीपीटी से उपलब्ध होगा, या उसका इस्तेमाल करके लेखक कलाकार अपने लिए कुछ नई चीज भी रख सकते हैं, ये भी एक अवसर की तरह देखा जा सकता है। अनम्यूट कर लीजिए रवि। जी, जैसे कि देवाशीष ने बताया अभी कि चैट जीपीटी को 45 TB डाटा दिया गया, तो ये जो सारा डाटा लगभग जो है सारा कुछ अंग्रेजी का है अधिकतर, उसमें उसके पास हिंदी का कुछ डाटा है नहीं। मैंने शुरू में जब चैट जीपीटी आया था और हल्ला मचा था, तो मैंने इसमें से हिंदी में कविताएं, लघु कथा, कहानियाँ, छोटे चुटकुले और यहाँ तक कि उपन्यास का एक फर्मा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करी थी। तो मैंने ये पाया कि अभी हिंदी में इसका आउटपुट तो आ जाता है, परंतु उसके पास चूंकि उतना डाटा हिंदी का है नहीं, तो वो हिंदी में आउटपुट करने में अक्षम है। परंतु मैंने ये पाया कि अगर हम उसको अंग्रेजी में काम देते हैं, अंग्रेजी में से हम कुछ चीज़ जनरेट करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम इसको हिंदी में अनुवाद कर दो, अंग्रेजी में जनरेट करो कोई भी चीज़, जैसे एक पोयम अंग्रेजी में जनरेट करो और उसको हिंदी में अनुवाद करके दो, तो ये बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से करता है। हिंदी में हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो बहुत बार हिंदी में समझ नहीं पाता, क्योंकि हिंदी भी एक तरह से क्लिष्ट भाषा है और अभी उसको समझने में थोड़ी उसकी क्षमता कम भी है और उसके पास डाटा भी नहीं। अंग्रेजी में तो उसके पास तमाम डाटा है, पूरा गुटेनबर्ग भरा पड़ा है, नहीं तमाम रतलामी अंग्रेजी जी, रतलामी जी, ये तमाम आज की बात कर रहे हैं ना हम लोग, आज से 10 साल बाद क्या होगा, उसके पास वो डाटा भी हो जाएगा, वो कुछ और चीजें, मशीन तो लर्न कर रही है, वो और भी चीजें लर्न कर लेगी। हाँ, ये तो बड़ी तेजी से लर्न कर रहा है। मैंने जैसे कि बताया, जब 2 महीने पहले जब चैट जीपीटी आया था, उसी समय मैंने कुछ इसके साथ एक्सपेरिमेंट किए थे और जब हमारा आपसी कल बात हुई कि आज हम बैठेंगे इस बारे में बात करेंगे, तो आज सुबह ही मैं उन्हीं प्रॉम्प्ट को दोबारा से उसके ऊपर आजमाया जो मैंने हिंदी में दिए थे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा चतुराई भरे तरीके से वो उनको उत्तर दे पा रहा था और जनरेट कर पा रहा था। मैंने कुछ कविताएं भी लिखी, वो भी वो पुरानी जो कविताएं उसने हिंदी में लिखा था उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो ये तो सही है कि वो नृत्य प्रति हर रोज वो नया सीखता जा रहा है और उसकी कला में कहना चाहिए या उसके आउटपुट में कहना चाहिए निखार आता जा रहा है। परंतु मैं ये भी मानता हूँ कि जैसा कि देवाशीष ने कहा कि इसमें वो गालिब का एक शेर है ना कि इसने निकम्मा कर दिया हमें गालिब, वरना हम भी आदमी के काम। तो ये जो 2 लाइन है इसके अंदर का जो भाव है, उस तरह का भाव लाने में मुझे नहीं लगता कि चैट जीपीटी या जीपीटी या उससे भी कोई उत्तम तकनीक इस तरह की कोई चीज़ अपने आप में कभी भी ला पाएगी, ह्यूमन कंडीशन जी संभव नहीं है। जी सुजाता जी, इसको मैं दो तरह से देखना चाहता हूँ। एक तो चुनौती के तौर पर ही है कि इस तरह की चीजें आ जाने से एक रचनाकार के लिए क्या चुनौती पैदा होती है, और दूसरा अवसर के तौर पर भी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें दोहराने से बच सकते हैं आप, और अपने आगे के चिंतन और आगे के क्रिएशन के लिए आप इसकी मदद ले सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, अभी तक देवाशीष जी को जो सुना और रवि रतलामी जी को जो सुना, एआई की तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, एआई कुछ एल्गोरिदम्स पे चलता है। और मेरे लिए पहली बात तो ये कि अगर एआई कोई खतरा है या चुनौती है, तो फिर सिर्फ लिटरेचर के लिए या साहित्य या कलाओं के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। तो अकेले लिटरेचर के बारे में या कलाओं के बारे में हमको सोचने से क्या फायदा होगा, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन दूसरी बात ये कि जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है कि अगर ये एल्गोरिदम्स पे चलता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उन एल्गोरिदम्स के पीछे कौन सा माइंड है, वो कौन सी ज्ञान परंपरा होगी जो इन एल्गोरिदम्स के पीछे काम करेगी, क्योंकि एआई कोई हवा में अपने आप तो नहीं काम करेगा। उन उन एल्गोरिदम्स के पीछे, वो जो आप उसको डेटा फीड करेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई दिमाग होगा,
कोई ना कोई बुद्धि है या कोई ना कोई एक नॉलेज का एक परंपरा है जो उसके पीछे है। जैसे मैं उसके पीछे अगर हूँ, मान लिया जाए, कल्पना की जाए, तो मेरी समझ क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है सोसाइटी की, लिटरेचर की, कलाओं की, ये सारी चीजें उसमें दिखाई देंगी। तो इसके कई खतरे मुझे जो दिखाई देते हैं, फायदे भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो जाओगे कई चीजों में आप, लेकिन जो मुझे खतरे दिखाई देते हैं वो ये दिखाई देते हैं कि सबसे सबसे बड़ा जो आप देखते हैं समाज की सच्चाई है कि हमारा सोसाइटी एक पित्रियाकल सोसाइटी है। हमारी ज्ञान परंपरा एक सामंती और पितृसत्तात्मक ज्ञान परंपरा रही आई है, जिसमें एक सवर्ण, एक बहुसंख्यक व्यू जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रहा है। आप चैट जीपीटी को ले लीजिए, कितना भयानक जेंडर बायस उसके अंदर दिखाई देता है। यूनेस्को का अभी रिपोर्ट आया था, अच्छा स्टडी किया उन्होंने, जिसमें ये कई फेमिनिस्ट ने पाया कि एआई को अगर लेकर आप आगे जाते हैं तो आपको उसमें इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाले जो एंगल है उसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है। एआई का जो स्वरूप है वो जेंडर्ड बायस उसके अंदर है, क्योंकि कोई कोई और व्यक्ति नहीं है, इसी समाज से निकले हुए लोग ही तो उसके पीछे काम कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी चिंता है। दूसरी बात ये कि लिटरेचर के लिए मैं इसको पता नहीं मैं क्यों खतरे की तरह नहीं देख पा रही हूँ। रवि रतलामी जी यहीं हैं, हमने साथ में ब्लॉगिंग के दौर में हम साथ में थे, वर्चुअली आज कई साल बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। तो उस समय भी ये बात बहुत कही जाती थी कि ब्लॉगिंग, हिंदी की ब्लॉगिंग आ गई है तो अब हिंदी की जो हिंदी का जो साहित्य है वो खत्म हो जाएगा, उसको बहुत बड़ा खतरा आ गया। कुछ नहीं हुआ, लोगों ने ये कहा कि अब तो डिजिटल उसका जमाना है लिटरेचर का, अब तो हाइपर टेक्स्ट का जमाना है, तो लोग किताब छापना बंद कर देंगे। लेकिन लोग तो मरे जा रहे हैं किताब छापने के लिए, मतलब पहले वो फेसबुक पे लिखते हैं, वहां से प्रसिद्ध होते हैं और फिर उसके बाद किताब निकालते हैं। मतलब ये उल्टा हो गया है कि वो प्रिंट में आने के लिए उनके प्राण छटपटा रहे हैं कि कैसे हम छप जाएं। तो मुझे अगर मैं इसको देखूं तो मुझे कोई ऐसा कोई खतरा नहीं लगता। दूसरी बात ये है कि AI, जो मैंने समाज वाला जो पॉइंट उठाया, AI आपको कोई कला का नकल तो दे सकता है। जैसे अरस्तु भी मुझे याद आते हैं, अरिस्टोटल, वो ये कहा करते थे ना कि ये दुनिया जो है वो मूल की अनुकृति है, नकल है। मूल जो वो है जो ईश्वर ने बनाया है प्रकृति को और मनुष्य को। इंसान जो बनाता है, लिखता है, करता है, ड्राइंग, पेंटिंग, कलाकृति, वो उसकी नकल है। तो नकल होने की वजह से वो उसका इम्पोर्टेंस कम है, ये अरिस्टोटल मानते थे। तो AI तो नकल की भी नकल हुई, तो उसका इम्पोर्टेंस और उसका जो उसका जो क्रिएटिव वैल्यू है वो और कम माना जाना चाहिए। दूसरी बात, जो समाज वाला पॉइंट मैं पहले उठा रही थी वो फिर लाऊंगी कि सोसाइटी के जो एक ओवरलैपिंग करती हुई जो सच्चाइयां हैं उनको वो कैसे, उनकी बारीकियों में कैसे पकड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म में, क्योंकि मेरा वो एरिया है तो मैं बार बार वहां से एग्जांपल्स लाती हूँ, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जो है उसको हम कैसे लिटरेचर में लेकर आएंगे। हम उन बारीक चीजों को जो जिसको कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस, वो बातें कैसे आ पाएंगी। और आप नकल तो बना लोगे, लेकिन लिटरेचर एक ऐसी जगह है जहाँ जहाँ आप जो क्रिएटिव रचते हो उसका मकसद सिर्फ आंखों को मोहना या दिल को बहलाना नहीं है, है ना। जैसे प्रेमचंद कहते थे कि साहित्य का काम समाज को छकझोरना है, उसको लोरी देना नहीं है। तो क्या AI अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएगा, समझ पाएगा, मुझे ये डाउट है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनसे मुझे AI से कोई खास खतरा नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि AI से कोई कोई मुझे फायदा हो अपना साहित्य रचने में या अपनी चीज, अपना कोई क्रिएटिव वर्क सामने लाने में, मुझे उससे थोड़ी सी मदद मिल जाए। हमने पिछले 10-12 सालों में ये सीखा है कि हमने कलम से लिखना छोड़ के और फिर हम उसके ऊपर आए, लैपटॉप पे अब लिखने लगे, उससे यूनिकोड पर आए। तो ये सारी चीजें केवल मदद कर रही है। मैं देख रही हूँ टेक्नोलॉजी केवल एक साहित्यकार की मदद कर रही है, वो उसके काम को पूरी तरह बदल दे रही है, ऐसा मैंने अभी तक तो नहीं देखा है।
और ऐसा हो पाएगा तो फिर ये दुनिया के सभी तमाम चीजों के लिए खतरा होगा, अगर खतरा है। जी देवाशु जी, बहुत सारे हम एक बीच में एक जी, कहना चाहूंगा सुजाता जी ने जो कहा उसी के टर्म्स में कि देखिए जो उन्होंने बोला कि ये खाली लेखन तक सीमित नहीं है, राइट। चैट जीपीटी के साथ ओपन एआई ने फॉर एग्जांपल डाली का भी दे रिलीज दैट आल्सो, राइट। डाली मतलब जो सल्वाडोर डाली और मॉली के साथ कॉम्बिनेशन मिलकर ये चित्र बनाता है, राइट। ये बिल्कुल कहें तो रचना धर्मिता की पराकाष्ठा है, राइट। आप जो बोलेंगे प्रॉम्प्ट में बता दिया। एक बड़ा एक फेमस चित्र है जो अभी आपने भी इंटरनेट पे देखा होगा कि मून के ऊपर चंद्रमा पे एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर सवार होकर एक एस्ट्रोनॉट चल रहा है, राइट। बड़ी विचित्र कल्पना है जो असंभव सी है, लेकिन एआई ने उसकी परिकल्पना करके बाकायदा उसको चरितार्थ करके दिखा दिया, जो कि बहुत ही गजब का चित्र है मेरे हिसाब से। एक चीज है जो आज भी सही है कि कंप्यूटर के हिसाब से गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो सुजाता ने कहा ट्रेनिंग डेटा क्या है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड है तो सर्टेनली बायस विल क्रीप इन, और उसको सुधारने की बहुत जरूरत है, और उसके लिए काम चल भी रहा है। मतलब एक चीज मैं आपको बताऊंगा मेरे अपने अनुभव से। मैं अभी हाल ही में आईआईएम से कोर्स कर रहा था तो मैंने काफी रिसर्च के लिए चैट जीपीटी को बहुत इस्तेमाल किया। तो मैं चैट जीपीटी से पूछता था कि मुझे संदर्भ स्रोत बताएं, रेफरेंसेस बताएं, राइट। क्योंकि बिना संदर्भ स्रोत के किसी ज्ञान का क्या मतलब है। आप हैरान हो जाएंगे कि जितने भी 100% संदर्भ स्रोत जो चैट जीपीटी अपने बताए हुए टेक्स्ट के साथ प्रोड्यूस करता था, 100% ऑफ देम वेयर फेक। 100% ऑफ देम वेयर फेक। जब मैं एक्चुअली वो लिंक पे जाता था वो लिंक उपस्थित ही नहीं था। मैं चैट जीपीटी को वापस बोलता था ये लिंक तो है नहीं, तो वो मेरे से माफी मांगता था कि माफ कीजिए ये लिंक नहीं है, मैं एक दोबारा दूसरा लिंक देता हूँ, वो लिंक भी गलत निकलता था। और अंत में 3-4 बार बोलने पे वो हार मान जाता था कि ये मैंने पता लगाया कि एक्चुअल स्रोत है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब इसको चैट जीपीटी वालों ने भी स्वीकार किया, इसको हैलुसिनेशन बोलते हैं। एक्चुअली एआई हैलुसिनेट्स, उसको ख्याल आते हैं। इसका मतलब खतरा सिर्फ फेक न्यूज का नहीं है कि ट्रम्प को गिरफ्तार कर लिया गया है और अचानक आप चित्र देख रहे हैं कि ट्रम्प के साथ मतलब अत्याचार हो रहा है, ऐसा एक चित्र एआई ने बना दिया और आप खबर बना के उसको छाप दें, सिर्फ उसकी बात नहीं है। बात यह है कि एआई स्वयं ही सपने देख रहा है और आपको जो जानकारी बता रहा है वो 100% सही नहीं है। तो एज द एआई मॉडल्स कीप ऑन इम्प्रूविंग, जब तक इसमें ये उस लेवल का आएगा, जैसे रवि जी ने कहा कि डेटा ही नहीं है, हिंदी में डेटा नहीं है, और वाकई में ये काम कौन करेगा? क्या छुटपुट भारतीय फर्म्स कर सकती है? नहीं साहब। 1955 के आसपास जब एलन ट्यूरिंग ने एक चेस का गेम बनाया था, प्रोसेसर के लिमिटेशंस की वजह से वो गेम चला ही नहीं पाए, चेस का गेम था वो, राइट। और 1997 में कास्करोव को हरा दिया डीप ब्लू ने। तो आप दरमियानी फासला देखें, राइट। और एआई का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 87 से 93 के बीच में, दैट्स नोन एज द एआई विंटर, एआई पे कोई काम नहीं हुआ उन 4-5 सालों में, बिकॉज देयर वाज नो बजट, राइट। और लोग खतरों की बात कर रहे थे तो काम ही नहीं हुआ। काम रुक जाएगा तो डेवलपमेंट रुक जाएगी। आज हिंदी मॉडल्स ट्रेन करने के लिए कौन पैसा लगाएगा? शायद एक गूगल लगा सकता है, जब उनको बाजार दिखेगा हिंदी का तो वो पैसा लगाएंगे, लेकिन सारे भारतीय भाषाओं में भी लगाएंगे क्या? मुश्किल है। तो भारतीय भाषाओं के हिसाब से आप अगर सोच रहे हैं कि वो सृजनात्मक एबिलिटी इनमें आएगी, बहुत मुश्किल है। कम से कम अगले 5-10 सालों के लिए तो बड़ा मुश्किल है, जब तक कि भारत में ऐसा बाजार ना आए, भाषाई बाजार। और गिवन आवर कंटेक्स्ट, हिंदी एक एकमात्र भाषा तो नहीं है जिसके ऊपर लोग इतना दिल लगा के करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बाकी भाषाओं में हुआ है, शायद तमिल में ये एबिलिटी पहले आएगी बिफोर हिंदी, राइट। तो जी देवाशीष जी, एक मुझे बात कहने का मौका देंगे? देवाशीष जी की बात सुनते सुनते मुझे अचानक से कुछ सूझा, और मैं ये सोच रही थी कि मान लीजिए इस एल्गोरिदम में, मतलब कोई फिल्म बनाते हुए अगर हम इस एल्गोरिदम में कुछ पॉपुलैरिटी के मानक डालना चाहें कि ये कीवर्ड्स हो, ये पॉपुलैरिटी हो, हम ये चीजें पकड़ लें तो फिल्म अच्छी बनेगी, तो मुझे लगता है कि इससे जो बर्बाद फिल्म जिस तरह की बन सकती है या जिस तरह का सामने आएगा, वो शायद आदि पुरुष जैसा होगा, जिसमें हम हो सकता है भाषा के वो पॉपुलर मानक लेकर आना चाहेंगे और ये सोचेंगे ही नहीं कि ये फिल्म
का ये कहानी का सांस्कृतिक या पौराणिक महत्व क्या है और हम उसको किस पॉपुलैरिटी के मानक पे तोल रहे हैं। ये भयानक मिसमैच है जो मैं देख रही हूँ, मतलब वो एक परफेक्ट एग्जांपल है, मुझे ऐसा लगता है जैसे एआई ने ही वो फिल्म बनाया है। तो ये बहुत अजीब और फॉर्मूले फिल्म बनाने का आप देखिए, कुछ साल पहले एक आईआईएम के एक व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, बड़े कुप्रसिद्ध या कुख्यात भी रहे वो, उन्होंने सनी देओल के साथ ऐसी एक फॉर्मूले एक फिल्म बनाई थी, क्योंकि वो एक एमबीए थे। उन्होंने कहा मैं एमबीए होने के नाते आई नो द आर्ट ऑफ मेकिंग फिल्म्स एंड फिल्म्स हैव अ फॉर्मूला, सो आई कैन क्रिएट अ फॉर्मूला फॉर मेकिंग अ हिट फिल्म। आज सनी देओल की उस फिल्म का कोई नाम नहीं जानता है, राइट? तो फॉर्मूले से तो आप इस तरह से नहीं बना सकते, इसीलिए मैं वो वाली बात है, अगेन क्रिएटिविटी नहीं है, आत्मा नहीं है, तो आप चार चीजें जोड़ के नहीं बना सकते कोई चीज। बिल्कुल रवि जी, ये जो प्रश्न उठाए हैं सुजाता जी ने और देवाशीष जी ने, बहुत सारे एथिकल सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो एआई के आगे डेवलपमेंट को रोक देना चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत नए तरह के खतरे पूरे मानव समाज के लिए पैदा होने जा रहे हैं। तो वो अपनी जगह पर हमारी चिंताएं हैं ही, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज हम जो बात कर रहे हैं कि चैट जीपीटी में या दूसरे एआई टूल्स में ये वीकनेसेस हैं, 5-10 साल बाद शायद वो बहुत कम रह जाएंगी। जिस गति से विकास हो रहा है टेक्नोलॉजिकल, तब क्या सूरत हाल होगी और तब क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, चुनौतियां जो आज की स्थिति में देवाशीष जी ने और सुजाता जी ने बताई वो तो वही की वही रहेंगी, परंतु डेवलपमेंट और इसकी जो गति है वो अप्रतिम तरीके से चल रही है। हर हफ्ते चैट जीपीटी के नए मॉडल आ रहे हैं, उसके नए प्लगइन आ रहे हैं, और जैसे कि अभी देवाशीष जी ने बताया कि उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए सब काल्पनिक थे, गलत थे, तो इस तरह से प्लगइन आ गए हैं वो जो उसके जो आउटपुट है उनको वो रिफाइन करते हैं, गलत चीज़ों को, गलत संदर्भ को वो हटा देते हैं और उसको चैट जीपीटी को ये बाध्य करते हैं कि वो सही संदर्भ दे, गलत संदर्भ या गलत सूचना ना दे, गलत चीज़ें ना दे। तो ये बड़ी तेज़ी से हो रहा है और ये जीवन के अपने सिर्फ साहित्य वाली बात नहीं है। देवाशीष जी ने बताया अभी डाली जैसे उन्होंने कि ये चित्र भी बना सकता है, तो एक व्यक्ति ने अपने उपन्यास चैट जीपीटी के जरिए लिखा अंग्रेजी में, उसका कवर पेज भी उन्होंने के जरिए एआई के जरिए डिजाइन किया और अमेजन में बेच रहा है वो। तो इस तरह की चीज जो है, इसका ये उपन्यास लोग जो है भले ही एक्सपेरिमेंटल तौर पे खरीद रहे हैं पर एक तरह से बेस्ट सेलर की सूची में कुछ समय रहा भी। तो ये चीजें तो चल रही है और इस तरह से ये लेखन के मामले में, चूंकि हम बात उसी पे फोकस कर रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि कहा किससे कहानियां तो ये नए नए तरीके से गढ़ लेगा, नए तरीके की शैली भी गढ़ लेगा, वो जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद दोनों को मिक्स मैच करके एक नई शैली भी गढ़ लेगा। और वो 5वीं क्लास के, अभी हम आदि पुरुष की जैसे बात कर रहे थे, तो 5वीं क्लास के स्टैंडर्ड की बातें भी लिख लेगा, उस तरह की लेवल की भी साहित्य रच लेगा और एक पीएचडी धारक व्यक्ति के साहित्य के स्तर की भी बात रख लेगा। परंतु वही है, अंततः उसमें ये देखा जाएगा कि तो उसमें आत्मा कहाँ रहेगी, वो चीज़ जो है वो बड़ा मुश्किल रहेगा। तो बाद में आत्मा भर डालने का काम लेखक का रह जाएगा, बाकी चीजें चैट जीपीटी दे देगा। और रवि रतलामी जी, अगर ऐसी किसी कृति को पुरस्कार मिल जाएगा तो वो पुरस्कार किसे मिलेगा एक्चुअली? और ये आप देखिए, ये सुजाता जी, अभी ये हुआ है ग्रामी अवार्ड्स में, ये डिक्लेयर हुआ है कि एआई जनरेटेड म्यूजिक जो हैं वो अवार्ड्स के हकदार नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ह्यूमन क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, ये अवार्ड्स ह्यूमन क्रिएटिविटी के लिए हैं। अगर मशीन रच रहा है तो उसमें हालांकि उसमें भी क्रिएटिविटी है, लेकिन वो वही रच रहा है जो जो उसको बताया गया है, तो उसी डेटा को यूज करके। नहीं, ये एक बड़ी चुनौती तो यही है कि ये जो नकली साहित्य पूरे एकेडमिक्स में, ये चिंता खड़ी हो गई है कि बच्चों को असाइनमेंट देंगे तो वो चैट जीपीटी से करके ले आएंगे, रिसर्च पेपर चैट जीपीटी से लिखे जाने लगेंगे, तो ये सारा इनका चेक करना, जो नकल, ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञान का भंडार है, वो बायसेस, सुजाता जी जो कह रही वो बिल्कुल सही बात, लेकिन हमारा आप निजी अनुभव और निजी ज्ञान का भंडार सीमित है। चैट जीपीटी या इस तरह के जो भविष्य में और बेहतर टूल आएंगे, उनके पास कहीं कई गुना ज्यादा होगा। उसका इस्तेमाल क्या लेखक बेहतर ढंग से कर पाएगा,
लेखक को भी सामग्री चाहिए होती है अध्ययन की, समझने की, इश्यूज की। अगर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहें खतरे के अलावा, तो किस तरह से देखें देवाशीष? नहीं, मेरे हिसाब से तो आप उसको एज ए रेफरेंस या एज ए गाइड आप यूज करें, राइट? अगर एथिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, और देखिए ये तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि आपने एकेडमिक्स की बात की, आप उससे जुड़े हैं। मैंने खुद भी देखा है, मेरा बेटा पढ़ रहा है तो वो यूज करता है, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ उसको, लेकिन सही चैट जीपीटी जनरेटेड कंटेंट से एक्चुअल कंटेंट को डिफरेंशिएट करना तो वाकई में बड़ी टेढ़ी खीर है, और वो करना संभव भी ना शायद हो पाए। प्लैगरिज्म टूल जो भी हैं आज, मतलब आप चाहें तो लोग प्लैगरिज्म टूल से का प्रयोग करके वो चीज भी हटा सकते हैं। क्विलबॉट एक टूल है जो आप चैट जीपीटी जनरेटेड कंटेंट को रिफ्रेश कर देता है, आप पता भी नहीं लगा पाएंगे। मेरे हिसाब से तो एकेडेमिया को अब वापस वो पुराने कलम दबात वाले सिस्टम पे वापस जाना पड़ेगा कि आप लिखवाइए हाथ से लिखी चीज पे, तो अनलेस कि वो कान में ईयरफोन से चैट जीपीटी से पूछ के लिख रहा हो, कोई तरीका नहीं है कि वो ये करे, राइट? लेकिन द वे राइटर्स कैन यूज, राइटर ब्लॉक हटाइए। राइटर ब्लॉक हटाने के लिए आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आइडियाज जनरेट करिए। आपको खाका, जैसे रवि भैया ने बोला कि खाका बना के देना है, आप किस तरह से एक नया नॉवल लिखने जा रहे हैं, खाका आपके पास तैयार नहीं है, खाके या फ्रेमवर्क के लिए उसको इस्तेमाल करिए, राइट? तो ये तो कुछ एक हुए रेफरेंसेस, तो इंडीड बहुत ही इसका बढ़िया प्रयोग है जो आपने कहा कि अभी ये जो कन्वेंशनल सर्च इंजिन्स हैं उनको तो ये टोटली रिप्लेस कर रहा है, राइट? क्योंकि अब आप सिंपल मुझे चार स्रोतों के लिंक देने से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे और भी डिटेल दिए जाएं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो एक जो हमारे मैं आईटी फील्ड में काम करता हूँ चूंकि, तो मेरे पास जो हमारे कस्टमर्स आके हमसे पूछते हैं जिस तरह के यूज हैं, चैटबॉट तो काफी सालों से प्रयोग में है, राइट? लेकिन आपके पास अथाह सामग्री है और उसको आप समराइज करना चाहते हैं, मुझे रामायण का सिनॉप्सिस चाहिए लिखना है, या मैंने अपने एक डॉक्यूमेंट को भेजा जो 70 पेज का डॉक्यूमेंट है, मुझे इसे समराइज करना है, चैट जीपीटी या इस टाइप के टेक्स्ट समराइजर टूल आपको समराइज कर देंगे। आप एड वर्ल्ड में हैं, आपको एड की कॉपी लिखनी है, मार्केटिंग की कॉपी लिखनी है, तो आप आइडियाज बताइए, नए प्रोडक्ट्स जनरेशन के लिए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनको ये आइडियाज तो बहुत बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इन सब चीजों में, जिसका अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल करें। और मुझे नहीं लगता कि जो सृजनात्मक वे में भी जिस तरह से चैट जीपीटी आपको बना के देता है कि एज एन इंडिविजुअल, एज ए क्रिएटिव इंडिविजुअल, अगर आप कॉपी पेस्ट वाले कलाकार नहीं हैं और आप रियल लेखक हैं, तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे जो चैट जीपीटी आपको बना के दे रहा है। आपको तो उसमें अपना इनपुट डालना ही पड़ेगा, अपना रुख लाना पड़ेगा, अपना नजरिया डालना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको पढ़ के ही समझ जाएंगे कि ये एक जेनेरिक व्यू ला रहा है, ये मेरी व्यू नहीं है। और एक एक चार वाक्यों में वो किसी चीज की व्याख्या कर सकता है, पर रियल लाइफ से, असली जिंदगी से वाकयात या उसके उदाहरण या आपकी अपनी जिंदगी से जो आप वाक्य लाते हैं अपने आउटपुट में, वो कहाँ से लाएगा? वो तो एक जीवंत व्यक्ति ही ला सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ये क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए इस टाइप के टूल्स वाकई में बहुत काम आएंगे, और कुछ सालों में इनका इंडस्ट्रियल यूज मेरे ख्याल से ज्यादा होगा रादर देन पर्सनल यूज, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि आज की डेट में भी हमारे पास लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे चैट जीपीटी जैसा एक यंत्र चाहिए, लेकिन जो मेरे कॉर्पोरेट डेटा के आधार पर दे, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी की पॉलिसीज क्या है, तो मैं एक इंटरनल चैटबॉट बनाऊं जो मेरी कंपनी के पॉलिसीज के बारे में सब जानता हो, और उनके आधार पर अगर मैं प्रश्न पूछूं कि मेरी अप्रेजल की क्या तरीका है, तो वो मुझे उस बारे में जानकारी दे दे। लेकिन उसमें भी कंपनियों को, जो सुजाता जी ने भी रेस किया, कि एक प्रोप्राइटरी डेटा की बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं मॉडल्स को ट्रेन करूं तो वो डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे कंपनी का प्रोप्राइटरी डेटा है, उसमें ट्रेड सीक्रेट्स हैं। मैं इस मॉडल को इतनी मेहनत से ट्रेन कर रहा हूं और कल को कोई और उसका फायदा उठा ले, तो इस टाइप की दिक्कतें भी हैं। तो मेरे ख्याल से कॉपीराइटर्स या एडवर्टाइजमेंट फंड्स या जो भी जो इमेजेस या ये सब बनाना चाहेंगे, उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि जिस मॉडल को आज चैट जीपीटी देखिए मुफ्त में क्यों उपलब्ध कराया गया, क्योंकि इतनी जनता उसको यूज कर रही है, वो मुफ्त में ट्रेन हो रहा है।
आप जितने उससे सवाल पूछ रहे हैं वो सही होता है गलत होता है, और एआई को ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग कहते हैं एआई की लैंग्वेज में, जिसमें कि उसको रिवॉर्ड दिया जाता है सही चीज के लिए, और गलत चीज के लिए उसको सॉर्ट ऑफ उसको समझ में आता है कि ये सही है कि गलत है, ताकि अगली बार वो ना दोहराए। रवि भैया ने भी कहा कि उत्तर अब संवर रहे हैं उसके, साल दर साल वो बेहतरी पे की ओर जा रहा है, तो उसका ट्रेनिंग डेटा, तो ट्रेनिंग मुफ्त में हो रही है, तो कौन नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान तो रखना है। लेकिन सुजाता जी, क्या रचना जी चो जी प्लीज, आप पूछिए, आप पूछिए। जो रचनाएं चोरी होने का खतरा है वो कम हो जाएगा? अब मनोज मुंतशिर लोग सीधे चैट जीपीटी से उठा लिया करेंगे, उनको इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आरोप उन पर नहीं लगेंगे रचनाओं के चोरी जाने के। यही मैं कह रही थी कि जिसको बहुत सुविधाओं में एक ही कमरे में बैठकर लिखना है उसके लिए शायद ही मददगार होगा, लेकिन असल में लेखक जो समाज के बीच जाता ही नहीं, उसके पास तो विषय और आइडियाज की कमी होगी ही। जैसे मुक्तिबोध को अगर याद करें तो मैं कदम कदम पे मुझे तो विषय मिलते हैं, मैं कदम कदम पे मुझे नए टॉपिक्स मिलते हैं। तो जैसे वो कहते हैं कि विषयों का अभाव नहीं है कवि के लिए, असल बात तो ये कि वो निकलना कितना चाहता है बाहर, वो कितना रिस्क उठाना चाहता है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये साहित्यिक दुनिया का एक चैलेंज है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मुझे इस पूरे डिस्कशन में अभी लग रही है कि हम लिटरेचर की बात तो कर रहे हैं कि हमारे लिए वो कितना काम का हो सकता है या एक रचनाकार के लिए कितना नुकसान हो सकता है, हम इसमें पाठक का विमर्श गायब कर दे रहे हैं। वो जो पढ़ने वाला है, वो जो पाठक वर्ग है, वो जो क्लास है, हम उसकी स्टडी को यहाँ नहीं समझ रहे हैं, उसके माइंड को नहीं समझ रहे हैं। वो क्या हम उसको भी एआई की तरह ट्रेन करेंगे कि वो एआई की का जो प्रोडक्ट है वो उसको ग्रहण करे, और वही जो साहित्य के जो नवरस हैं या जिसको हम कहते हैं ब्रह्मानंद सहोदर, जो उसमें से साहित्य में से आस्वाद निकलता है, क्या वो भी, क्या हम उसके भी मशीनीकरण की बात कर रहे हैं? क्योंकि एआई वाला जो भी हमारा ये पूरा डिस्कशन है उसमें मुझे वो वाला एंगल, पाठक वाला एंगल गायब दिख रहा है। एक बहुत जरूरी स्टडी है जो रीडर्स पर हमें करना जरूरी है, और ये अभी एआई के डिस्कशन में तो आ गया है। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि हिंदी में ऐसा कोई स्टडी नहीं होता है अभी तक तो। लेकिन सुजाता जी, ये बताएं कि जब पूरा समाज ही एआई से संचालित प्रेरित होगा तो पाठक कैसे बचेगा? वो उसके जद में तो सभी आएंगे, वो भी यूज करेगा एआई, एलेक्सा को वो भी इस्तेमाल करेगा, चैट जीपीटी को वो भी इस्तेमाल करेगा, ये तो वही मैं कह पूरे रही हूँ, समाज का। जी वही वही तो मैंने कहा कि असल में उसके उसके विमर्श को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। सिर्फ रचनाकार कैसे उसकी मदद लेके रचेगा या रचनाकार के लिए क्या मुश्किल आएंगी, सेम सवाल बनता है कि पाठक उसको कैसे ग्रहण करेगा और पाठक को उसे ग्रहण करने में क्या दिक्कत आएगी। मैंने जो इस बात शुरू में उठाई थी वो मैं फिर यहाँ लेकर आती हूँ कि एज अ पाठक, एज अ स्त्री पाठक, मैं जब किसी एआई से बनी हुई कृति को, किसी कविता को मान लीजिए पढ़ती हूँ, और उसके पीछे का जो एल्गोरिथम है उसने हिंदी के या मान लीजिए विश्व के तमाम पुरुष प्रेम कवियों की कविताओं को स्टडी किया है, पाब्लो नेरुदा से लेके और निजार कब्बानी से लेके, और हिंदी में जयशंकर प्रसाद को ले लीजिए या अभी के जितने भी कवि हैं उनको ले लीजिए, उन सबको उसने स्टडी किया और मेरे सामने उसने कविता रखी, प्रेम कविता, और मुझे उसमें वो तमाम बायस दिखाई दे रहे हैं जो नेरुदा की कविता में है, निजार कब्बानी में है। तो मैं एक पाठक भी तो हूं ना। एआई ने मेरे सामने वो कविता रख तो दी है, लेकिन मेरे पढ़ते हुए मेरा सेल्फ भी तो जागृत होगा ना, मेरी अपनी अस्मिता भी तो उसमें जुड़ेगी ना, तो उसको माइनस नहीं किया जा सकता। एआई ने मेरे सामने प्रोड्यूस किया, मुझे एआई से प्रोड्यूस हुई चीजों को पढ़ने की आदत गई, लेकिन क्या मैं अपनी आइडेंटिटी के ये जो सारे के सारे पहलू हैं, मेरा कास्ट, मेरा क्लास, मेरा जेंडर, मेरी एथनिसिटी, मेरी मेरी नेशनैलिटी वगैरह वगैरह, तमाम चीजें, रेस को, नस्ल को, सब चीजों को क्या माइनस कर पाएंगे क्या उन सबके बिना? मतलब इंसान, इंसानी दुनिया कितनी भी एआई पे चलने लगेगी, क्या हम इन सब सच्चाइयों को मिटा देंगे? एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या एआई से चलने पर दुनिया में से जेंडर का भेद, धर्म का भेद, जाति का भेद, वर्ग का भेद, ये खत्म हो जाने वाले हैं? नहीं, ये तो वैसे ही उसमें भी आएंगे जो समाज में हाँ, है वही वो। वही मैं कह रही हूँ, इसीलिए बिल्कुल पाठक को जब स्टडी करेंगे तो आप इसको माइनस नहीं कर सकते। एक रचनाकार रचते हुए
एआई का बहुत इस्तेमाल करके एक बहुत परफेक्ट रचना लेकर आ सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि जिस समय तुलसीदास रच रहे थे रामचरितमानस, उस समय पे वो बहुत परफेक्ट रचना थी। आज जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने समय के दबावों में पढ़ते हैं और समझ में आता है उसमें क्या क्या फ्लॉज थे। तो इससे मुझे एक चीज और तुरंत बात करते करते याद आई कि क्या एआई से बनी दुनिया में हिस्ट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी, इतिहास रहेगा नहीं? तो ये सोचने की बात है कि अगर इतिहास रहेगा, अगर इतिहास ऑब्सोलीट नहीं होगा, तो हमें एआई से डरने का कोई खतरा नहीं है, एआई से सृजित साहित्य से डरने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब तक इतिहास है तब तक इतिहास में ये ताकत रहेगी कि कचरे को झाड़ू लगा के बाहर फेंक दे। जी रवि जी, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे जो इस हम लोगों की चर्चा में ना आया हो, चुनौती, खतरे, अवसर, तीनों चीजें? जी, मैं मुख्य रूप से दो तीन चीज़ों पे फोकस करूँगा। पहला तो ये कि एआई कितना भी उन्नत हो जाए उसमें मौलिकता का अभाव रहेगा, क्योंकि वो अंततः वो सारी चीज़ें वही फेंकेगा जो उसके पास पिछले ट्रेनिंग डाटा में मौजूद रहा है ना। दूसरी चीज़ ये कि ये पॉपुलर चीज़ों को तो बड़े बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेगा। जैसे कि मैंने कुछ बॉलीवुड गीत उससे लिखने के लिए कहा, तो मैं ये मानता हूँ कि, और ये मेरा पर्सनल ट्यूरिंग टेस्ट है जैसे देवाशीष जी ने कहा था, कि वो उस ट्यूरिंग टेस्ट में 100% अंकों से पास हुआ। उसने ऐसे ऐसे सुंदर बॉलीवुडी गीत बंदी समेत दिए जैसे कि आज तक किसी ने लिखे नहीं है ना। पर उसकी क्षमता सिर्फ यहीं तक है, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है। अगर उसको हम, मैंने उदाहरण पहले दिया था गालिब जैसे शेर जिसमें कि 10-20 भावार्थ एक दो पंक्तियों में रहते हैं, वैसे ही अगर रचना लिखने के लिए कहें तो वो नितांत असंभव होगा। और बहुत सारी चीज़ें सुजाता जी ने अभी कही हैं कि उसमें जेंडर बायस है, तो ये जेंडर बायस तो अनादिकाल से चला आ रहा है और ये सारा डाटा जो उसके पास उपलब्ध है वो जेंडर बायस से भरा हुआ है। तो अंततः वो जो माल फेंकेगा, जो आउटपुट देगा, वो इससे भरा हुआ हुआ कचरा ही निकालेगा, जैसा देवाशीष जी ने कहा कि वो गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अंततः फिर भी मैं मानता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत सपोर्टिव और हमारे काम का टूल तो रहेगा, हमारे काम को जो विस्थापित तो नहीं करेगा, लेकिन हमारी हमारी क्षमताओं को वो 10-20 गुना 50 गुना बढ़ाने की क्षमता तो रखता है, और ये हमें इस तरह से लेना चाहिए। देवाशीष जी, ये मेरा इस मामले में तो बड़ा साफ विचार है कि अगर चैट जीपीटी जैसे यंत्र आपके काम में आपकी मदद कर रहे हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उसकी। लेकिन एक नजरिया, हम अभी बात कर रहे थे एआई जनरेटेड कंटेंट के, कि जिसमें चैट जीपीटी आपके लिए मार्केटिंग कॉपी से लेकर इमेज से लेकर नॉवल, कहानी, गीत, डायलॉग सब लिख सकता है। जब आप प्रस्तुत कर रहे हैं समाज को वो कृति, आप तो बोल रहे हैं कि आपने लिखा है, तो ये तो आपकी मतलब आपकी रचना धर्मिता या आपके एथिक्स, आपके मोरल के ऊपर भी काफी सवाल उठाता है कि आप किस किस्म के व्यक्ति हैं कि जो एआई जनरेटेड सामग्री को अपनी सामग्री कह के कर रहे हैं। ये तो प्लैगियरिज्म ही है एक तरह का। तो अगर हम ये मान के चलें, जैसे सुजाता जी ने बोला कि रीडर की क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए, कुल मिला के तो एज लेखक या एज रचनाकार हमारी कोशिश ये है कि हम रीडर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये हमने बनाया है, जबकि आपकी कृति है ही नहीं, वो 50 और लोगों के लिखे लेखन के ऊपर आधारित है और आप बोल रहे हैं कि आपकी है, तो आप धोखा दे रहे हैं लेखक को। लेखक धोखा खाएगा, क्योंकि आप आने वाले युग में जैसे जैसे ये परिष्कृत होता जाएगा, एआई जनरेटेड सामग्री और मौलिक लेखन के बीच में भेद कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किताबें फिर भी बिकेंगी और शायद और भी धड़ल्ले से बिकें। तो जब हम ब्लॉगिंग करते थे तब देखते थे कि कुछ लोग जो कविताएं लिखते हैं वो अपने स्वयं के, आज भी ऐसा होता है, लाखों रुपए स्वयं डाल के लोग किताबें प्रकाशित कराते हैं। स्वांत सुखाय फॉर वैनिटी पब्लिशिंग इसको बोला ही जाता है, कि लोग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है मैंने किताब लिखी है और वो पब्लिश मटेरियल मेरी लिखी किताब है, 4 बुक शेल्फ में दिख रही है, खरीदता कोई नहीं है, वो स्वयं ही खरीदते हैं अपनी कॉपी और 4 लोगों को बांटते हैं। तो वो प्रचलन तो चल ही रहेगा, क्योंकि छपास की बीमारी इतनी आसानी से जाती नहीं। नहीं, और ये खतरा भी है कि आप आपकी क्रिएटिविटी से कम हो, क्योंकि जितनी निर्भरता आपकी चैट जीपीटी पे होगी आप उतना दिमाग पर जोर लगाना कम भी कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आप चैट जीपीटी के ही एक संस्करण बन जाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं सहमत हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये अगर रचना धर्मी इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं तो ये बात तो सही है कि जिस तरह से चैट जीपीटी हेलुसिनेट करता है, कुछ दिनों में वो भी हेलुसिनेशन के शिकार हो जाएंगे
और वो कितनी मौलिक रचनाएं कर पाते हैं, वो तो बड़ा लोग बोलेंगे कि आप तो, जैसे सुजाता जी ने कहा, आपके लेखन से जयशंकर प्रसाद जी की झलक मिलती है, तो वो लिटरल हो जाएगी उसकी मीनिंग है, वो उसको तारीफ के तौर पे नहीं लिखा जाएगा। जब पुरस्कार बांटे जाएंगे साहित्य क्षेत्र में, पता नहीं साइटेशन में क्या लिखा जाएगा। और थोड़ा श्रेय, अगर अगर ईमानदार लेखक होगा तो शायद श्रेय देगा कि चैट जीपीटी का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे लेखन में। और साहित्य में क्या अभी एल्गोरिदम्स नहीं है? बिना एआई के भी साहित्य में एल्गोरिदम्स हैं, जो ये बिल्कुल कुछ मठ बिल्कुल हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो साबित करते हैं कि यही कविता अच्छी है, इसी तरह का लेखन सबसे अच्छा है। तो मतलब इस मुझे लगता है ये एक शाश्वत जो डायलेमा है हमारे सामने, विज्ञान अभिशाप है या वरदान? वरदान मतलब जब भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमारे सामने यही प्रश्न उठ खड़ा होता है कि आखिरकार ये हमारे काम आएगी या हमें नुकसान पहुंचाएगी। न्यूक्लियर बम के आविष्कार से लेकर और चैट जीपीटी तक यही बहस चल रही है, वही एथिक्स की, वही चुनौतियों की, वहां शांति की चिंता थी, यहाँ चोरी और नकल की चिंता है। हैं चिंताएं, इस पर विचार तो करते रहना पड़ेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए, धन्यवाद आप सभी का। जिस समय देश विभाजन की आग में झुलस रहा था, तब देश के 6 नामी कलाकारों ने मुंबई में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का गठन किया। ये एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि न तो इसके पहले और न ही इसके बाद कभी इस तरह की कोई बड़ी पहल हुई। इस संगठन ने देश में लोकतांत्रिक, बहुलतावादी और खुले सोच की कला संस्कृति विकसित करने में योगदान दिया। वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी आज इस परिघटना के प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। नमस्कार, दूसरी आवाज में इस बार मैं आपका ध्यान आधुनिक भारतीय कला के इतिहास में एक ऐतिहासिक परिघटना की ओर ले जाना चाहता हूं, जो लगभग उसी समय हुई जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। उसकी उसका विभाजन होने जा रहा था, हिंदू मुस्लिम दंगे और खून खराबा हो रहा था। ये घटना है तब के बंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप नाम से कलाकारों के एक नए समूह का गठित होना। समय ऐसा था कि भारत में उसकी जो दी गई सदियों से चली आ रही बहुलता थी, और जिसे औपनिवेशिक शासन ने नष्ट ध्वस्त विकृत करने की जोर कोशिश की थी, और किसी हद तक वो कामयाब भी हो रहा लगता था, और बहुलता एक तरह से संकट में थी। देश का बंटवारा होने जा रहा था, यह स्पष्ट था। तभी दो मुसलमानों, एक ईसाई और 3 हिंदू कलाकारों ने मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप नाम का एक समूह गठित किया। अब ये गौर करने की बात है कि ये कलाकार न सिर्फ अलग अलग धर्मों से आए थे, अलग अलग प्रदेशों से भी आए थे, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गोवा से, और इन्होंने एक नया स्वप्न देखा भारतीय कला के लिए। जो स्वप्न था कि वो भारत
भारत में अपनी जड़ों पर जमे हुए रहकर खुले रहेंगे और संसार भर की कला में जो नवाचार हो रहा है, नई नई बातें हो रही हैं, उनके प्रति एक ग्रहणशील खुली दृष्टि रखेंगे। ये आधुनिकता में भी एक सूक्ष्मता थी, वो सिर्फ यूरोप या पश्चिम की ही प्रेरणा और प्रभाव पर महदूद नहीं थी, वो समूचे विश्व के लिए खुली हुई थी। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसके 6 संस्थापक सदस्य थे, जिनमें सैयद हैदर रजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, आरा पाकरे, हुसैन और गाड़े पहले 6 थे। बाद में यद्यपि कुछ उसके सदस्य तो नहीं बने, लेकिन उसके इर्द गिर्द आ गए, उनमें राम कुमार, वासुदेव गायतोंडे, कृष्ण खन्ना, तैयब मेहता, अकबर पदमसी, बाल छाबड़ा आदि भी थे। अब गौर करने की बात यह है कि उस समय जब बहुत सारे प्रगतिशील संगठन भारत की स्वतंत्रता को अधूरी मान रहे थे, उस समय उसी नाम से गठित एक कला समूह नए भारत के लिए एक नई कला का स्वप्न देख रहा था। दूसरी बात यह थी कि न सिर्फ ये समूह अपने संरचना में, अपने कलाकारों की जमात में बहुल था, इसकी दृष्टि भी बहुलतावादी थी और ये बाद में प्रमाणित भी हुआ कि यद्यपि वे साथ थे, उनकी शैलियां, उनके विचार, उनके कला संबंधी आकलन, उनकी चिंताएं, उनकी बेचैनियां, उनके मुहावरे अलग अलग थे। गतिशील कलाकार समूह बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, उसकी औपचारिक रूप से कुल 1 प्रदर्शनी हुई 1948 में, जिसका उद्घाटन कलाविद मुल्क राजानंद ने किया। लेकिन ये सभी कलाकार तब से लेकर अपने जीवन भर इस समूह के दूसरे कलाकारों के मित्र बने रहे। अगर रजा साहब और दूसरे लोगों के आप आत्मवृत्तांत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वे आपस में एक दूसरे के काम पर, कलाकृतियों पर गहरी तीखी आलोचना करते थे, एक दूसरे से कई मामलों में, राजनैतिक दृष्टि में और विश्लेषण में अलग अलग थे। अलग अलग रहते हुए भी वो साथ साथ बने रहे, कम से कम भारतीय कला के इतिहास में ऐसा कलाकारों का कोई समूह इससे पहले और इससे बाद हुआ ही नहीं, जिसने इतने मूर्धन्य कलाकार पैदा किए। मैंने जिनके नाम लिए वो पिछले 50-60 वर्षों से भारत के मूर्धन्य कलाकारों में हैं और आधुनिक भारतीय कला का छोटा से छोटा, संक्षिप्त से संक्षिप्त वृत्तांत भी उनका नाम लिए बिना पूरा नहीं हो सकता।
ये जो घटना थी, इस घटना को एक तरह से हम भूल सके। अमृतकाल में वैसे भी विस्मृति एक लगभग स्वाभाविक वृत्ति है, भूलना, भुला देना, याद न रखना। अभी 29 जून से 10 दिनों तक दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, श्रीधरानी गैलरी में आरंभिक 6 संस्थापक कलाकारों की एक प्रदर्शनी हो रही, ल्यूमिनस लीगेसी के नाम से, जो इस ऐतिहासिक क्षण में कलाकारों के एकजुट होकर आने और भारत के लिए एक नया सपना देखने और उसकी बहुलता को फिर से सत्यापित करने के एक क्रांतिकारी प्रयत्न की ओर हम सबका ध्यान दिलाएगी। तानाबाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा तानाबाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।